नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रन बांकुड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत के वीर जवानों ने एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारत के गणतंत्र दिवस पर खूनी खेल खेलने के इरादे को चकनाचूर कर दिया। भारत की धरती पर नापाक पाकिस्तानी कदम को बढ़ने से रोक दिया। जी हां, जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात हमारे देश के वीर जवानों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है, वो भी उसी की धरती पर। दरअसल रात के अंधेरे में गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने के इरादे से पाकिस्तान ने देर रात अखनूर सुंदरबनी के बीच पड़ने वाले खौर सेक्टर में अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन सतर्क भारतीय जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैशे मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को इस ओर आने से पहले ही ढेर कर दिया। हालांकि 2 आतंकवादी इस बीच बचकर भाग निकले। वहीं पाकिस्तान की इस गोलीबारी में हमारे 4 जवान भी घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने के लिए पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकी बैठे हैं, जिनकी घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना और रेंजर गोलीबारी कर रही है। उधर सांबा के सीमावर्ती गांव सदोह में भी मंगलवार सुबह तड़के ग्रामीणों ने संदिग्ध देखे। बताया जाता है कि सांबा के सदोह गांव के ग्रामीण राजेश शर्मा के अनुसार सुबह करीब 3 बजे वो घर के बाहर निकले तो 3 संदिग्ध लोग उनके घर के निकट घूम रहे थे। उनके पास हथियार थे, उन्होंने शॉल और रखी थी। वो अंदर गए और पिता को ये बात बताई, जिसके बाद उन्होंने BSF और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। गौरतलब है कि सदोह गांव से भारत पाकिस्तान सीमा कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र से तारबंदी काटकर आतंकियों ने घुसपैठ की थी। वहीं राजौरी शहर से सटे कुछ गांवों में भी मंगलवार सुबह संदिग्ध देखे गए हैं। सूचना पर सुरक्षा बल के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।